हमें वही चाहिए था, और ऐसा करना हमारे लिए आसान नहीं था। इनको बार बार हमें विश्वास दिलाना पड़ा कि बोलो बेटा, खूब बोलो, गलत बोलो, लेकिन बोलो जरूर। तो अब धीरे धीरे ये उस स्थिति में आ रहे हैं कि गलत बोल देते हैं लेकिन बोलते हैं। आपने ध्यान दिया किसी ने स्मोकिंग बोला, दो या तीन लोगों ने स्मोकिंग बोला, तो ये गलत आंसर है, लेकिन इंग्लिश बोला ये मान। तो एक बार हम फिर से पूछते हैं, इस बार ये लोग सही कर लेंगे अपने आंसर। What should be the verb for धूम्रपान करना? The verb for धूम्रपान करना should be smoke. And what should be the second form of smoke? The second form of smoke should be smoke. And what should be the third form of smoke? The third form of smoke should be smoke. बच्चे तुम्हें पता है ये कौन सी क्रिया है? अच्छा चलो याद दिलाते, क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी? सकर्मक सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कर्म का आना जरूरी है। इसमें होगा क्या जरूरी? चलो किसी का आंसर यस में है, किसी का नो, लेकिन प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमें एक कर्म ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो हम ऑब्जेक्ट लगा लगा कि सब लोग चेंज करना है, इसको एंजॉय करना, और रियलिटी में नहीं लेना, ये सब काल्पनिकता में लेना, ठीक है? जिससे जो ऑब्जेक्ट लगाते बनना बने वो लगाना। अब यहाँ फीमेल भी है तो वो इस विषय में ज्यादा नहीं जानती है, लेकिन विज्ञापन तो देखते होंगे, तो जो रख सके वो रख। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं नाउ। कैन यू स्मोक विल्स? यस आई कैन स्मोक विल्स। आंसर हो गया सर, ठीक है। अब हमें हिंदी क्या बोलना चाहिए? अगर हम ऐसा हिंदी बोलेंगे तो क्या वो प्रैक्टिकल लगेगा? तो ये वाला हिंदी हमें छोड़ना होगा, ये किताबी हिंदी है। अब हम प्रैक्टिकल हिंदी पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और इससे आपको एक और ताकत मिलेगी कि जैसे हिंदी में भी कुछ चीजें अलग होती है, वैसे अंग्रेजी में भी। अब हम जो उससे पूछ रहे हैं, देखिएगा आपको बिल्कुल ओरिजिनल लगेगा। क्या आप विल्स पी सकती हैं? अभी हमने एक कंपनी का नाम रख दिया, सिगरेट की एक कंपनी का नाम रख दिया विल्स, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट में क्या लगाया? विल्स। आप अपनी जानकारी के मुताबिक बदल के देखिए आप क्या रख सकते हैं, ठीक है। Yes. अच्छा ऑब्जेक्ट लगा। छोड़ देते हैं, तुम आंसर दे, मत पूछे लोग। Yes, I can smoke weed. Sorry. Sorry. तुमने सुना? Yes, I can smoke weed. आप यहाँ पे एंजॉय भी करो, साथ में ये ध्यान देना कि हमारे हिंदी में पीना जो क्रिया है वो किसी द्रव पदार्थ के लिए, पानी, चाय, दूध आदि, लेकिन इंग्लिश के इस क्रिया का हिंदी हमें जब हम ये रखेंगे तब वो प्रैक्टिकल मतलब ऑब्जेक्ट। बेटा विज्ञापन में कुछ ना कुछ तो देखा होगा, किसी दूसरी कंपनी का नाम या और कोई चीज। सर
Can you smoke cigarette? Yes, I can smoke cigarette. क्या आप सिगरेट पी सकते हैं? हाँ, सिगरेट पी सकते हैं। अब ये लड़के हैं तो ये लोग ज्यादा जानते होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पीते होते तो खूब जानते होंगे। तो हम चाहेंगे कि तुम कंपनी का नाम बताओ। इधर Can you smoke black? Black. Yes, I can smoke black. जो नहीं जानते हैं उनको बता दें कि एक सिगरेट का नाम है, नाम है सिगरेट की कंपनी का नाम। क्या आप ब्लैक पी सकते हैं? हाँ, मैं ब्लैक पी सकता हूँ। Can you smoke black mint? एक नाम है ब्लैक मिंट। अभी नो में उत्तर मत दीजिए, क्योंकि हम प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, सब आते हैं। आप कहें कि यस में स्मोक, आप कहें यस में मुझे यस, यस आई आई यस आई कैन कैन स्मोक फ्लैग में। क्या आप फ्लैग में पी सकते हैं? हाँ, मैं फ्लैग में पी सकता हूँ। आपको यस में Can you smoke cigar? Yes, okay. Yes, I can smoke cigar. क्या आप सिगार पी सकते हैं? जी हाँ, मैं सिगार पी सकता हूँ। बच्चों, हम फिल्मों में देखते हैं सिगार, भले हमने पिया हो या ना, लेकिन हम एक ऑब्जेक्ट में उसको Can you smoke Bengal? Can you smoke Bloody Gold? Yes, I can smoke Bloody Gold. Yeah, Bloody Gold. Bloody Gold. Gold, जो सोने वाले gold. Bloody Gold. क्या Bloody Gold पी सकते हैं? जी हाँ, Bloody Gold पी सकते हैं। अगर अब हम तुम्हें एक आइडिया दे रहे हैं, तुम्हें कोई नई सिगरेट का नाम नहीं मालूम है? Small मालूम है? नहीं तो Small Gold भी बोल सकते हैं। नहीं है भाई, लेकिन वो तो उन्होंने ब्लैक पिलाई तो व्हाइट रंग तो है ना। कुछ भी बोल दो क्या एडेक्शन ए और टेन है ना, ए 1 0 10 ये नाम होगा किसी से। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, पक्का बिल्कुल सही है। गुड़ 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 गाँव में आज भी प्रचलन है, जमीन का लोग पीते हुए दिखाए जाते हैं। अब ये सॉरी को देखिएगा, आप इन्होंने ग्रामर में ही गलती की। क्या आप हुक्का पी सकते हैं? हाँ, हुक्का पी सकते हैं। Can you smoke white? White. अब आपका फर्स्ट डे है तो आप बता दे रहे हैं।
एक बार रिपीट करा दीजिए। अब कोई सिगरेट का नाम लेता है तो हम कलर बदल देते हैं, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, कोई नया कलर। वैसा एक सिगरेट का नाम आपको बताया ब्रिस्टल, काफी पुरानी है ब्रिस्टल, वो पूछ। बिटाई के कैन कैन यू कैन यू स्मोक ब्रिस्टल यस आई कैन स्मोक ब्रिस्टल क्या ब्रिस्टल की सकते जी हाँ मैं ब्रिस्टल की सकते तुम्हें नाम मालूम है बेटा हम बता दें पनामा बहुत पुरानी सिगरेट है पहली सिगरेट थी जिसमें फिल्टर नहीं था अच्छा कैन यू स्मोक पनामा पनामा क्या आप पनामा पी सकते हो अब अथर्व बेटा आपने क्वेश्चन नहीं किया ना बाकी सबसे हो गए ना यू आर रेस्ट दीदी दीदी इज रेस्ट उनसे पूछ लो नाम बताए बेटा कोई बच्चों की एक सिगरेट आती थी पेपरमिंट चूसते थे उसको ऐसे करके बचपन में हमें तो याद है आपको याद है तुम लोग को नहीं तुम लोग के जमाने में नहीं आती वो एक्चुअली टॉफी रहती लेकिन शेप उसका सिगरेट जैसा था तो हम लोग लॉलीपॉप जैसा उसको धीरे धीरे चूसते रहते थे पांच पैसे के आते थे उस समय पांच पैसे चलते याद है पेपरमेंट अभी रुझान आया मुझे आपको याद है नहीं आपको याद है बचपन में वो एक चूसने वाले सिगरेट हाँ सिगरेट जैसा शेप रहता था और पीछे ही थोड़ा येलो और पूरी व्हाइट रहती थी और आखिरी में शायद रेड था हमें अभी अचानक याद है तो वो हम लोग पांच पैसे की दस पैसे की लेके चूसते थे पेपरमेंट का स्वाद रहता था और शेप सिगरेट का अब बताइए इतना क्वेश्चन आंसर करने के बाद आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस हुआ ठीक है अब मदद करते जाएंगे आपने तो फिर भी अपनी बात रखी है हमारे सामने दो घंटे के लिए पांच घंटे लेकिन जब आप इसको छोड़ के गए थे चुपचाप आकर बैठ गया लेकिन इसने पहले दिन से अच्छे से ध्यान से सुनिए परफॉर्म कर चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं व्हाट इज अ स्मोक हाँ या तो नाउन होगा या दोस्तों कुछ सब आज हम दोबारा जादूज के बोल रहे हैं जिनका लेट एडमिशन हुआ इनका लेट एडमिशन हुआ आपके थोड़ा पहले ये इसके सिस्टर है इनका भी बाद में एडमिशन हुआ तो एक छोटी सी चीज हम बताते हैं आपको अच्छे लगेगा सुन के अंग्रेजी में एक ही शब्द एक से अधिक रूप में काम करता है या कर सकता है तो वो शब्द वर्ब भी हो सकता है नाउन भी हो सकता है एडजेक्टिव भी हो सकता है एडवर्ब भी हो सकता है कंजंक्शन भी हो सकता है प्रपोजिशन भी हो सकता है
सो ऑन एंड ऑन एक ही शब्द कई रूप में। तो यहाँ स्मोक किस तरह से काम कर रहा है, वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में। कैसे पता चले ये वर्ब है, इसमें अंत में नाम, आना जाना खाना पीना हंसना रोना क्रिया है जिसके अंत में नाम दिखाएंगे, और ये नाउन है इसके अंत में नाम है। तो बच्चों बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मोक। अब इन सब का आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन इन्होंने इंग्लिश बोली तो ऐसे ही आप भी बोल बस। अच्छा, यहाँ के एटमॉस्फेयर में और सुबह बैच में आप आएंगे जब तक काफी अंतर मिलेगा, उसमें कम लोग, तो कम लोगों से डर तो कम लगता है लेकिन क्रिएटिविटी भी कम होती है। आज हमने कम से कम 3, 4 या 5 सिगरेट के नाम सीखे, अब देखने में ऐसा लगता है कि सिगरेट के नाम सीखने में कौन सा ज्ञान बढ़ गया, लेकिन वास्तव में अगर आप देखें तो आपके राइट ब्रेन को काम करना पड़ा अपनी बारी आने पर, आपको एक नया नाम सोच के रखना। अब हम एक राउंड और चला देते हैं, इस बार आप नेगेटिव आंसर दीजिए। अच्छा, कैन यू ड्राइव 800? यस आई कैन। नेगेटिव आंसर। नो आई कांट ड्राइव 800। ड्राइव। शी इज ड्राइव। Can you drive 800? Yes, I can. No, I can't drive 800. क्या आप 800 चला सकती हैं? अब यहाँ पे हम फिर आपको एक बार कॉमन सेंस के जीके जिसको बोलना चाहिए जनरल नॉलेज के उसमें ले जा रहे हैं। ये कॉमन शब्द है, 800 हमने रख दिया, कट गया। अब 800 कोई नहीं रख सकता, सबको नया मॉडल का कोई भी नाम रखना है। बहुत सारे सड़क पे देखते हैं। Can you drive BMW? Yes, I can. No, I cannot drive. Sorry. सबसे पहले नो बोलना पड़ेगा। Can you try BMW? No, I can't. Yeah, BMW चला सकते हैं। Can you? बहुत जोर से। Can you drive bullet?
बेटा अभी तक चार चक्के की बुलेट नहीं देखी होती है क्या? क्योंकि ड्राइव कोई भी नाम देगा तो पता है ना कट जाए, पिछली बार भी ऐसे हुआ। अब उसको थोड़ा याद करने दो, मोहल्ले में आते जाते कोई ना कोई गाड़ी का नाम तो याद करना पड़ेगा। Can you drive swift? Yes. No, I can't drive swift. क्या आप swift चला सकते हैं? आज तुमने बहुत मजे से जवाब दिया। हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे, कल भी इस चीज पर बताएंगे, इस क्लास में आंसर बने ना, लेकिन इस क्लास का पहला नियम है जो बीच में लिखा हुआ, क्या लिखा अब एग्जैक्टली ख्याल को लगाना की बात नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे स्ट्रेस में नहीं बैठना, आपसे नहीं बनता हम पास कर देंगे आगे बढ़ा देंगे, लेकिन अगर आप एंजॉय करें इस क्लास तो जल्दी सीख लेंगे। आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, हमने इनको बता दिया है क्योंकि अक्सर क्लास में टीचर होता है डांट के देखा है तब, तो ये इसको हम अच्छा नहीं मानते। यहाँ पे आप हंसिए खेल खिलाइए, स्ट्रेस में होता है। आज इसमें बड़े अच्छे से जवाब, ये अभी स्ट्रेस में रहती है, इसको भी बाहर निकाल। चलिए आगे बढ़िए, क्या आप मैंने चला सकते हैं? नहीं मैंने नहीं चला सकते। क्या होंडा सिटी? होंडा सिटी इंडियन कैन यू ड्राइव होंडा सिटी? नो आई कांट ड्राइव होंडा सिटी। क्या आप होंडा सिटी चला सकते हैं? कैन यू ड्राइव सॉरी जानकारी होगी कार वगैरह की, तो ये वाली नहीं रॉल्स रॉय घोस्ट, घोस्ट वही भूत वाला। कैन यू ड्राइव रॉल्स रॉय घोस्ट? चलिए आप हमारे साथ बोलिए, बल्कि इसको देखते हुए बोलिए, नो आई कैन नॉट
रॉयल होस्ट क्या आप तो अब आपको पूछना है बेटे से, क्योंकि राउंड यहाँ से शुरू हुआ। नहीं, तुमसे शुरू हमने किया था, तो आप हमसे पूछिए। No, I cannot drive EcoSport because I have never tried. नहीं, मैं EcoSport नहीं चला सकता क्योंकि मैंने कभी try नहीं किया। चलो बच्चों, यहाँ से इसको विराम देते हैं। और have you written the verb? Yes, sir. We have written the verb. बच्चों, व्हाट वाज द लास्ट इंटरेक्टिव सेंटेंस? द लास्ट इंटरेक्टिव सेंटेंस वाज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यस सर, इफ आई एम नॉट दो चीजें हम देख रहे हैं, यहाँ राइट से लिखा है। हमारे पहले की क्लास में तुम जम के भूजता था, ये किसी को भी सिखाती थी ना, तो बाकी सब लोग बोलते थे गॉड ब्लेस। इसका कारण मालूम है बच्चों क्यों बोलते हैं? किसी भी इंसान को जब छींक आती है तो उसका वेग इतना तेज होता है कि एक सेकंड के बहुत कम हिस्से के लिए हृदय व्यक्ति का धड़कना रुक जाता है। बहुत कम सेकंड के 100 हिस्से, हमारा जिसको छींक आती है उसका हृदय उस मिली सेकंड के लिए रुक जाता है। तो अगर छींकने के बाद व्यक्ति सही सलामत है तो बोलते गॉड ब्लेस, ठीक है। और एक फैक्ट और है कि कोई भी इंसान आंख खोल के नहीं छींक सकता। जैसे ही छींक आती है आपकी आंख बंद होंगी और नहीं तो ये बाहर आ जाएंगे, इतना वेग होता है छींकने का। okay. तो अब जब भी किसी को छींकाए तो गॉड ब्लेस यू बोलिए। बच्चों फिर से बताना, व्हाट वाज द लास्ट इंटरेक्टिव सेंटेंस? द लास्ट इंटरेक्टिव सेंटेंस वाज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। No problem, नाम का इंटरेक्टिव दिया है बच्चों। इसको थोड़ा सा कंजूसी से लिखना, हम यहाँ से लिखवाने शुरू करेंगे और इसमें बटिंग का निशान लगा के करीब करीब हम यहाँ इसके चार पांच हिस्से, सबका हिंदी एक ही, ठीक है। तो उस हिसाब से लिखना, ठीक है। बोलो तो पहले हम एक साथ इंग्लिश लिखवा। यस नहीं है, एक दो
थोड़ा पुराना है, पहले बोले जाते थे ये भी पुराना है, ये भी पुराना है, आजकल सबसे ज्यादा सही है। कोई बात नहीं, अब यहाँ पे हम आपके लिए बताना चाहेंगे और आपके लिए। इस क्लास में हम वो चीजें ज्यादा देते हैं जो लेटेस्ट, जैसे आप लोग सब यहाँ पे जो वस्त्र पहने हुए हैं आउटफिट्स, वो तो लेटेस्ट पहने हुए हैं, तो हम कपड़ों में तो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं लेटेस्ट, लेकिन भाषा में हम पुराने रहते हैं मानसिकता से, तो आपको उससे बाहर आना है। ये लोग आ चुके हैं, आपको बाहर आना है, आपको बाहर आना है, और ये जो चीजें हम देंगे ये आपको टीवी में खूब सुनाई देगी, टीवी में सुनिएगा। और जब हम ये बोलते हैं कि टीवी में सुनिएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंग्लिश न्यूज लगा के सुनिएगा, आप जो सीरियल या सीरीज देखते हैं आप वही देखिए, आप जो देखते हैं आप वही देखिए, बस उसमें बीच में कहीं ना कहीं आप इंग्लिश के डायलॉग में वो चीजें मिलेंगी जो हम देते हैं। तो ये लेटेस्ट चीजें होती हैं, इसका नाम है क्या, व्हाट इज दिस क्वेश्चन, एंड व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ इंटरेक्टिव सेंटेंस। हिंदी मीनिंग ऑफ इंटरेक्टिव सेंटेंस इज बोलचाल का। आप बीच में ध्यान दीजिएगा दोनों मम्मी डैडी कि उसके होंठ हिलते हैं, पूरा उत्तर अभी उसके नहीं बनता है, लेकिन हमने उससे बोल दिया है कि बेटा होंठ जरूर हिलाओ, आप भी ऐसे ही करें, बने ना बने आप उस लय में गा दिया है। तो जो भी अपन पहला वाला लेके चल रहे हैं, आज केवल पहला वाला यूज करेंगे, कल दूसरा वाला, बस सबसे ज्यादा यूज तो यही है। इसके साथ आगे पीछे कुछ प्रैक्टिकल लगाना है तो आप लगाइएगा, और जिससे ना बने वो नो प्रॉब्लम बस। बिल्कुल करना ही चाहिए, वो तो छोटा है तो उसने नहीं किया, नया भी है और छोटा भी। No problem. You have this juice without taking any stress. कोई बात नहीं, तुम ये जूस पी सकते हो बिना किसी झिझक के। जिसको थोड़ा सा समय लग रहा है वो फिलहाल पास हो गए, बाद में बना सकते। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ये बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं, आके हम बैठ सकते हैं। नो प्रॉब्लम, यू आर मोस्ट वेलकम, मोस्ट कोई बात नहीं, आप यहाँ आपका यहाँ स्वागत है। कोई बात नहीं, मैं इस क्लास में No problem. मुझे ब्रेकअप चाहिए, मैंने बोला
कोई प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. No problem. चलो एक चीज और इन लोगों को दिखा देते हैं. हमने इनसे पूछा छह, तो इन्होंने बोला ये है. इस देर का अर्थ होता हो गया, मतलब इनका सेंटेंस बन गया. हमने उससे पूछा चेक, हम चेक कर रहे थे, तो उसने बोला आई एम रेस्ट. अब यहाँ रेस्ट का मतलब है शेष, मैं बची. My friend asked me to have snacks. I replied, no problem, you can have it. मेरी फ्रेंड ने मुझे मुझसे स्नैक्स के लिए पूछा, स्नैक्स खाने के लिए पूछा, और मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप खा लीजिए. उसके कारण उनको पूरा उत्तर देना पड़ा. तो ये इस क्लास की प्रोसेस है. इसको हम ऐसा भी कहते हैं कभी कभी कि दो पाठन के बीच में साबुत बचाना. आप यहाँ आए हैं तो इंग्लिश बोलना पड़ेगा. ये भी हमारा थोड़ा सा ये तकिया कलाम है. थैंक यू. आपने बोल दिया है कि नहीं बोला? क्लियर बोल दिया. चेक 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 देयर गुड. मेरी मम्मी ने पूछा क्या तुम मार्केट जा सकती हो? कोई बात नहीं. I said that to enter. I'm American hungry, so let you enter. And enter said to me, I have no money. And I said, no problem, I have more money. I have much money to give. मैंने enter से बोला मुझे भूख लगी है, कोई restaurant चले. enter ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है. मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरे भाई का बहुत पैसा है. वो एक बैठे हुए हैं, दो तीन और दो लोग एब्सेंट हैं इनके ग्रुप के, या एक ने छोड़ दिया. ये लोग एक ही कॉलेज ग्रुप के हैं और इन्होंने आपस में एक दूसरे के उपनाम रख लिए, तो ये इसको एंजॉय भी करते हैं. इसको हंटर के नाम से रख होता है. जो आज नहीं बना पाया सेंटेंस वो घर पे सोचना, जब भी दिमाग में आ जाए उसको सेव करके रखना, और कल अपन इसके साथ बनाएंगे तब बना लेंगे. ठीक है? अगर वन मोर बना रहे तो फिर ये रख देना, या यही रखना चाहो तो ये रख देना. जैसे नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक दिस बुक. कोई बात नहीं, तुम एक बुक ले सकते हो. नहीं नहीं ठीक है. हमने बोला बाद में बोला कि जोर लगाना होगा. बच्चों एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है अभी. तुम लोग को कटलर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ नाम सजेस्ट है,
एक्चुअली यहाँ पे नो प्रॉब्लम के साथ लाइक ड्रॉस लाइक लिखा हुआ है, तो लाइक ड्रॉस लाइक तुम लोग को लिखवा दिया, उसके साथ इंटरेक्टिव कौन सा दिया? हाँ लिखवाया नहीं, इसके साथ हो जाएगा, हो सकता है किसी ने लिख लिया हो लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं लिख पाओ, है ना, ये मुहावरा है और मुहावरा इतना भिन्न होता है जिस पे हिंदी बिल्कुल अलग होता है अंग्रेजी बिल्कुल, और ये नहीं है सरसरी होती है। मैं भी थ्रू आउट हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं आपकी आपके दर्द को समझता हूँ, हमारे साथ भी एक समय यही हुआ, लेकिन इससे बड़ी मदद मिलती है, इसमें वो कहीं नहीं दिख रहा है जो इसको मौजूद शब्द में दिख रहा है, आपसे अच्छे की तरह जाएंगे, ये बच्चे इसका प्रयोग कर चुके हैं इसलिए बता देंगे बच्चों हिंदी इस बार देख लेना इस बार इसको ऐसा भी बोलते हैं जिसमें हम बहुत सालों से गलती कर करते आ रहे हैं, कितने सालों से हिंदी में, है ना, अधिकतर लोग क्या लगाते हैं पहले सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे, उनको थैली में रखा जाता था, पर्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, प्राचीन जमाने में उस समय की कहावत, इनका जन्म 100 साल 200 साल पहले हुआ है, उसमें हमें वैसे ही शब्द देखने मिलते हैं, और यहाँ पे चोर का कोई मतलब नहीं, ये हम तब बोलते हैं जैसे इनका और इनका नेचर मान लो एक या दोनों ये और ये एक से गलती करते हैं, लाइक दो बच्चे हैं और दोनों का एक सा स्वभाव है तो बोलते हैं लाइक ड्रॉस, तो वहाँ मौसेरी चचेरी या फुफेरे वाली बात नहीं है, जो एक से स्वभाव के लोगों के लिए है लाइक ड्रॉस। चलिए किसी को क्रिएटिविटी करना हो तो कर लेना, ये अपूर्ण वाक्य इसको पूरा करके बताना और नहीं तो जैसा है देखा है वैसे हो, ये लिखो लाइक ड्रॉस लाइक एक ही When the round is in process, they both do same mistake at the time, and I replied like cross line. एक ही जब प्रक्रिया चल रही थी तो दोनों ने एक ही समय पे मुझे एक ही गलती को दोहराया और मैंने उन्हें कहा एक ही कैंडी के चट्टे बनते तो जरूरी कॉल तो अभी नहीं थी उससे वो सेट को चलाना सेट को चलाना लाइट रोज लाइट एक ही कैंडी के चट्टे बनते लाइट रोज लाइट एक ही कैंडी के चट्टे बनते हालांकि सुन के बोलने पर ज्यादा ध्यान दे इस क्लास में, लिखने की या लिखे हुए के लिए सुन के ध्यान कलर आर से स्वाई से नाइट ड्रेस लाइट यू आर लाइट रोज लाइट
इस बच्चे के इस तरह स्वच्छंद रहने से हमें बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि जब ये आया था वैसे ही डरा हुआ था जैसे कि आम बच्चे, लेकिन अब खुश रहने लगा है, पूरा एंजॉय करके बनाता है। दोस्तों हम अभी आपको भी ये बताना चाहेंगे, आप में से किसी ने भी इसको संपूर्ण वाक्य की तरह प्रयोग नहीं किया है, इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई रख के बता सकता है तो मजा आ जाएगा। ये शीर्षक की तरह इसको पूर्ण सेंटेंस बना के कोई बता सके तो बहुत अच्छा होगा। हमने हिंट दे दिए कि एक सब्जेक्ट रखना पड़ेगा आपको, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी लगती है वो लगाना पड़ेगा। He both नहीं हो सकता, they both बहुत अच्छी कोशिश की दोस्तों, लेकिन helping verb सहायक है जो है उसमें थोड़ी सी सावधानी और रखो, एक वचन बहुवचन की यहाँ से कोई बनाने को तैयार है। Sir, ये उसने बना दिया, तुम बदल दो, ये उसने बना दिया, हमारे साथ बोलिएगा हमारे साथ बोल भी देना बच्चों, बड़ा प्रैक्टिकल है। ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स समझ गए ना, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का है वो सब एक ही थैली के डबल सब्जेक्ट मतलब बोथ नहीं भी लगाते तो भी सही है। बोलिएगा रोहित एंड कोहली आर लाइक ड्रग्स, रोहित और कोहली बहुत से रेगुलर है। थैंक यू, आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट दिखी और जल्दी आपने इसको स्वीकार कर लिया, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। Yes, you can see इन्होंने बड़ा अच्छा प्रयास किया लेकिन चैप्टर गलत लगा, तो ये गलत हो गया है, ये कैन चैप्टर में नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। इन्होंने मुख्य क्रिया नहीं रखी थी, सहायक क्रिया बस रखी थी, और ये मुख्य क्रिया नहीं है। आगे बढ़ने yes, sir. दोस्तों हमने पिछली क्लास में किस प्रकार का वाक्य बनाना सीखा हालांकि आज समय ज्यादा हो गया है और अगले पायदान के लिए हमें ज्यादा समय की जरूरत होती है, तो आज हम बोलना देखिए आपको एक नई चीज सिखा देते हैं। Have you written the impactful sentence? Yes, sir. क्या आपने impactful sentence लिख लिया? आप सुन रहे हैं इनकी जो आवाजें हैं
वो एकदम निडर आवाजें देख सुनाई दे रही है ना, ये एक दिन में नहीं हुआ है। इन बच्चों को धीरे धीरे करके निडर बनाना पड़ा है कि इस क्लास में गलती करने वाले को कोई ना, लेकिन जो सो रहा है उसको गलत है। Have you written the idiom? Yes, sir. आपने मुहावरा लिख दिया है? Yes, sir. आपने मुहावरा लिख दिया है। Should I read? Yes, sir. You should read. क्या मैं बताऊं? Yes, sir. Have you written the Hindi? Yes, sir. आपने हिंदी लिख दी? आपने हिंदी लिख दी? Yes, sir. आपने लिख दी। क्या मैं मिटा दूं? Yes, sir. आप मिटा दूं। अब हम अचानक एक रैंडम रैंडम शब्द सब जानते होंगे मोबाइल में, तो रैंडमली कुछ भी एक उठा ले रहे हैं एक चीज, समय कम बचा है तो एक राउंड खेलेंगे हम लोग और उसके बाद क्लास को समाप्त। पहले तो हम एक ग्रामर का सवाल आपसे करते हैं, व्याकरण संबंधी कौन बता सकता है, जिसको पता हो बता देना, बाकी लोग सुन लेना। तो उनके बाद हम क्या रख सकते हैं? यस, थैंक यू, तुम्हारी आज तुमने बिल्कुल सही साथ दिया सीनियर होने के नाते। दोस्तों डू के बाद हमेशा क्रिया का पहला रूप आता है, क्रिया के तीन रूप होते हैं, हम आपके लिए बताएंगे गो वेंट गॉन, तीन रूप, तीनों को अलग अलग टेंस में हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमेशा क्रिया का पहला रूप आता है, इसको हम रख दे रहे हैं एक ब्रैकेट में अलग कलर से, ये पूरा एक शब्द है। अगर हमें इसका वाक्य बनाना है तो हमें पहली चीज क्या लेने होगी? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, थैंक यू बच्चों। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। कर्ता, कर्ता किसे कहते हैं? जो काम कार्य करता है। आज तुमने ने बहुत अच्छे जवाब दिया, आज के पहले ये लोग सब गलत उच्चारण बताते हैं। जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं, तो हम सबसे आसान और सबसे फेमस कर्ता यहाँ ले रहे हैं कौन सा? अब हम यहाँ रख देते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो सबसे फेमस क्रिया को। आज बच्चे तुम लोग को अनुवाद से हम बाहर निकालने की एक और कोशिश करें, तुम लोग हमेशा अनुवाद करके आ रहे हो, हर चीज का अच्छे से अनुवाद कर देते, ये हमारी आपकी आपकी सबकी कमी है, हम हिंदी मीडियम वालों की सबकी कमी। जैसे हमने आई देखा उसका मीनिंग निकालने लगते आई एन है, ये हमारी कमी है, इसको दूर कर। तो इसका हिंदी कौन बताएगा? और कोई? पकड़ के नहीं चलता कि आई एन गलत तरीका है, जो आपको सिखाया उससे बाहर आ जाए, कभी भी बदल जाएगा। मुझे जाना आया, पहले हम आज दो लोग नए हैं तो पहले भेड़ चाल चलेंगे, सेम टू सेम बोलेंगे, सेकंड में बदलेंगे बेटा। या भी मुझे जाना है, I have to go, मुझे जाना है, I have to go, मुझे जाना है, अब हम दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, हम जानबूझ के हिंदी नहीं बताएंगे, तुम लोग के लिए फील्ड वर्क है, ग्रुप में शेयर करना, वो देना हमारे साथ। इसमें दो चीजें बताई जाती हैं बच्चों, एक तो बोला कंपल्शन, कंपल्शन किसी को हिंदी पता है? नहीं पता, फिर से बोलिए, कम कम पल कम
शन शन नहीं पता ना। हाँ करीम करीम। अच्छा यार एक तुम लोग को थोड़ा सा शर्मिंदा करें। तुम लोग कभी जाके वहाँ ऑफिस में थोड़ी देर के लिए बैठते हो क्या? एक आध बार फीस वीस देने के लिए जल्दी आ जाए तो वहाँ कंपल्शन लिखा हुआ है और उसके दो पर्यायवाची भी लिखे हुए हैं। अब देखना आज जाने से पहले कुछ लोग मरे जाएंगे वही घुसेंगे। चलो देख के बताना। तो एक तो कंपल्शन के लिए इसका प्रयोग होता है, दूसरा होता है बोलेगा डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन इसका मेन मीनिंग कंपल्शन का बता दिया उसको याद। हाँ मुझे जाना है मजबूरी, छह बज गए सात बज गए मुझे जाना मजबूरी। दूसरा डिटर्मिनेशन बोलना डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन तुम नेशन बोल रहे हो, डिटर्मिनेशन बोले तो इच्छा होना या थोड़ा थोड़ा। चलो इसका हम बता देते हैं। बोलना दृढ़ संकल्प। जैसे आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना है। अब इस उदाहरण के चक्कर में हमने आपकी एक वर्ब काट दी, लेकिन अब देना तो था उदाहरण, है ना? तुम सोच के बैठे थे मुझे इंग्लिश बोलना है। अब मजबूरी वाला भी हम बता देते हैं। I have to go to buy vegetables, मुझे सब्जी खरीदने जाना है। अब ये पूछा नहीं है हमारे, दृढ़ संकल्प भी नहीं है, मजबूरी है यार। ठीक है हाँ। मजबूरी है, इच्छा नहीं होती है। उसके दोनों पार्ट की तरह पता है, लेकिन उसके करेज, उसके उसके स्माइल, हाँ उसके लिए टाइम। नेक्स्ट वर्ब चेंज करना है, चाहे तो ऑब्जेक्ट करिए चाहे तो एक्सटेंशन बढ़ा दीजिए जैसी आपकी मर्जी। I have to talk, मुझे बात करना है। अपूर्ण सेंटेंस लग रहा है? Yes sir. Yes. इसलिए हमने बोला कि ये लगा कि लगा। I have to talk, मुझे तुमसे बात करना है। अब देखिए दोस्तों, एक टू तो इसके लिए लगा, तो आपके साथ भी टू लगता है तो एक टू बहुत लगता है। अच्छा सेंटेंस एक बार हमारे साथ बोलिए। कहीं पे भी बोल सकते हो, कहीं जाओ ऑफिस वगैरह में तो बोल सकते हो आई हैव टू टॉक टू यू। ना लगाओ तो उस बंदे को लगा दो जिस पर जैसे आई हैव टू टॉक टू द प्रिंसिपल, आई हैव टू टॉक टू द मिश्रा सर, I have to talk to बड़े बाबू ताऊ जी कुछ। ठीक है आपने फोन लगाया, हाँ भैया किससे बात करना है? I have to talk to मिश्रा जी, मुझे मिश्रा जी से बात करनी है। Next. I have to study for my board exams, मुझे अपने board exams के लिए पढ़ना है। I have to take many exams, मुझे बहुत सारे डिशेस खाने के लिए हम हैव का प्रयोग कराते हैं। आप ध्यान में रखिएगा खाने पीने के लिए। एक बार आप भी बोलिए हमारे साथ, आप भी बोलिएगा आई हैव टू टेक मैनी डिशेस। किसी शादी में जाना है, मुझे मुझे बहुत सारे डिशेस खाने। मुझे
इनको हमने हिंदी में छूट दे दिया है क्योंकि इनकी मातृभाषा बंगाली है, तो इनकी हिंदी हम सुधार देते हैं। एक नॉन प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट भी इन्होंने रखा था, हम उसको भी सही करते हैं। आप सभी बोलेगा भाषा और हम बिल्कुल प्रैक्टिकल सेंटेंस बोल रहे हैं, आप एक हिजक बोलेगा भाषा जैसा हम बोल बेटा बोलना है यार गुरु आई हैव टू वॉच आर 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 यार गुरु मुझे आर 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 देखनी। अब ये प्रैक्टिकल उन्होंने खाली मूवी शब्द रख के उसको किताबी बनाया, आप नाम रख दीजिए प्रैक्टिकल हो जाए। और हमने भाव वो रखा जैसे दो लड़के बात कर रहे हो आपस में या दो दोस्त बात कर रहे हो, आप अपने दोस्त से ऐसे ही बोलोगे यार गुरु आर आर देखनी है। तुम लोग भी ऐसा बोलते हो कि लड़के बोलते हो ना क्यों गर्ल्स बोलते हो नहीं आपस में चलो ठीक नेक्स्ट कम अगेन प्लीज क्यों हो गया हाँ क्योंकि अभिनंदन ने बताया इस टू के बाद यहाँ पे आई एन जी बस आई एन जी हटा दे सही हो गया नहीं ये नहीं हटा देखिए हमने उसको बॉक्स में रखा है हम दूसरे कलर के बॉक्स में रख देते हैं उसको ये शादी से बहन को जुदा मत कीजिए चलो और सुन नहीं गोल रख सकते हो टेन का दंड लगी वो बच्चे को नहीं दिया क्योंकि वो छोटा है उसने भी गोल रख दिया दिस इज माय वर्कआउट टाइम बिल्कुल सही है थोड़ी देर रुक जाओ आप इनकी बारी आई हैव टू कम करेक्ट राज एंड मी हैव टू प्ले गेलिना मैं और राज गेम के मैं और राज गेलिना खेले अब इन्होंने अपने टॉपिक को लाया हमने इसलिए पहले सबसे आसान सब्जेक्ट लेके चले इन्होंने सब्जेक्ट बदलने की कोशिश और गलत कर टॉफी में दे दी नहीं किया तो प्रयोग करने का टी का वेलकम आई हैव टू प्ले क्रिकेट विद रोहित शर्मा मुझे क्रिकेट खेलना है रोहित शर्मा के साथ देखो बच्चे को हिंदी में कितनी समस्या है इंग्लिश यू बना दिया तो बताओ कौन सी भाषा सर डरते हो हिंदी नहीं बन रहे उसको इंग्लिश तो यू बन गया आई हैव टू प्ले क्रिकेट विद रोहित शर्मा इंग्लिश पीछे से शुरू होता है पहले तो मुझे आएगा फिर यहाँ से आएगा
चलिए दोस्तों 7:03 होते हैं, शुड वी कंक्लूड द क्लास? यस सर। क्या अपन लोग क्लास समाप्त करें? थैंक यू सर। गुड नाइट सर।